हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई वो बहुत ही शानदार चल रही है और विज्ञान की जो तैयारी आप बहुत ही शानदार कर चुके हैं। आपका जो विज्ञान का पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम आपका थोड़ा सा रिविज़न करेंगे। अब तक हमने जितने भी पिछले वीडियो देखे हैं उन सभी का हम थोड़ा सा रिविज़न करेंगे इसमें। और मैंने आपका सामाजिक का पेपर देखा था जिसमें आपके जो RSCRT उदयपुर की ओर से जो आपके पेपर जारी हुआ था उसमें से कई सारे प्रश्न आपके हूबहू आपके पूछे गए थे। तो एक बार मैं आपसे वापस है जो ये आपका जो उदयपुर की ओर से जो पेपर जारी हुआ था वो वाला पेपर मैं आपको वापस करवा देता हूँ ताकि आपके जो कोई प्रश्न है जो गलत ना हो, कोई प्रश्न आपके छूटे ना। तो ये विज्ञान का लास्ट पेपर है आपके लिए, फिर आपके लिए मैं गणित के पेपर तैयार करूँगा और गणित में तो आपको और अच्छा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं विशेष तौर पर गणित के ही आपकी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आपके गणित के तो और ज़्यादा जो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, गणित में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आप सभी को आपके आने वाले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट विशेज है और आप सभी को जो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो ये मैं उम्मीद करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो जितना चाहते हैं उससे भी आपको कई गुना ज़्यादा नंबर आपको मिले। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं आपके पहला प्रश्न है कि नायलॉन का उपयोग होता है। तो देखो नायलॉन जो होता है इसका उपयोग कपड़े के निर्माण में भी होता है, रस्सी और तंबू बनाने में भी होता है और दांत साफ करने का जो ब्रश होता है उसको बनाने में भी होता है। तो तीनों ही कामों में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन बहुत ही मजबूत रस्सी होने के कारण ये जो पर्वतारोही होते हैं उनकी जो चट्टानों पर चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। नायलॉन जो होता है वो पहला कृत्रिम रेशा है, यानी कि ये जो है रेशा है ऐसा है जो पहला कृत्रिम मानव के द्वारा निर्मित रेशा है। तो ये आपको याद कर लेना है, कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है उसको हम कृत्रिम रेशा कहते हैं। और एक होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त होता है इसको हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे ऊन है, रेशम है, जूट है, ये सभी आपके कपास हैं, ये सभी आपके प्राकृतिक रेशा के रूप में जाने जाते हैं। प्राकृतिक रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, पादप रेशे और जांतव रेशे। जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको जांतव रेशे कहते हैं और जो रेशे पादपों से प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों से उनको पादप रेशे कहते हैं। पादप में जैसे आपके ये ले सकते हैं कपास आपके पादप से प्राप्त होता है, इसके अलावा जो जूट है वो भी आपके पादप से प्राप्त होता है, रेशम है वो भी पादप से प्राप्त होता है और जांतव में आप ऊन लिख सकते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर पूरा करना है। एक होता है आपके रेयान, रेयन जो होता है वो आपके कृत्रिम रेशम के रूप में इसको जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रेयन, इसको आप याद कर लेना है। एक होता है टेफ्लॉन, जो टेफ्लॉन होता है वो टेफ्लॉन जो भोजन पकाने के बर्तन बनते हैं उनकी सतह पर जो पानी और तेल ना चिपके तो उसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ये क्या होता है टेफ्लॉन होता है। एक होता है आपका मेलामाइन, मेलामाइन जो होता है वो अग्निरोधक पदार्थ होता है, अग्निरोधक होता है ये मेलामाइन, और आग बुझाने वाले जो गाड़ी के कर्मचारी होते हैं उनके कपड़े जो बनते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। थोड़ा सा ये अलग अलग आपको याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न आपके है कि वाहनों के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, इनमें से कौन सा ईंधन कम प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण तो फैलता है लेकिन उससे कम फैलता है। तो डीजल से फैलता है, पेट्रोल से भी फैलता है, LPG तो ये आपके ईंधन के रूप में अपने घरेलू ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। वाहन के लिए जो CNG होती हैं वो सबसे कम प्रदूषक गैस होती हैं। CNG को हम क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक प्रश्न आपका यहाँ से पक्का बनेगा, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG है, ये LPG है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये डीजल जो होता है वो भारी वाहनों में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न आपकी है सोने चांदी को पिघालने हेतु सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है, आपको बताना है। तो जो सुनार होता है वो सोने चांदी को पिघालने के लिए ज्वाला का जो बाहरी क्षेत्र होता है वो उसको काम में लेता है क्योंकि जो सोने चांदी होते हैं इनका गलनांक काफ़ी ऊँच होता है, तो ये वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, उष्मा ज़्यादा होती है बाहरी क्षेत्र में, इसलिए बाहरी क्षेत्र का उपयोग में लिया जाता है। ये जो सोने चांदी है इसके अलावा प्लेटिनम है, प्लेटिनम इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सोने चांदी प्लेटिनम इनको कहा जाता है उत्कृष्ट धातु। क्या कहते हैं इनको, उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तो उत्कृष्ट धातु किसको कहते हैं, सोना चांदी और प्लेटिनम को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा आपसे पूछे कि मध्य भाग का कलर कैसा होता है, तो मध्य भाग का कलर पीला होता है।
फिर आपको बताना है कि सत्य असत्य कौन सा इसमें से। तो निषेचित अंडा जो होता है युग्मनज कहलाता है, तो निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है, सही है। ये निषेचन क्या होता है, तो मादा नर और मादा का जो जो शुक्राणु और अंडाणु का जो सलयन होता है उसको कहा जाता है निषेचन। तो इससे जो बनता है वो युग्मनज बनता है और ये एक कोशिका होती है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, ये भी सही बात है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। किशोरावस्था का मतलब जो 13 साल से 18 साल की उम्र होती है उसको किशोरावस्था कहा जाता है, और इसमें लड़के और लड़कियों की लंबाई बढ़ती है। यानी कि अचानक कोई व्यक्ति, कोई जो लड़का अगर 13 साल की उम्र में आ गया तो उसकी लंबाई धीरे धीरे अचानक बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और फिर आपके 16वां क्वेश्चन है, यदि आप घर से बाहर और भूकंप आ गए तो आप घर के अंदर जाओगे, ये गलत है। अगर आप घर के अंदर है और भूकंप आ गया तो आपको घर से बाहर आना चाहिए, उससे खतरा कम हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर यदि आपके घर या आसपास में आग लग जाए तो आप नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो कोई बिजली का मेन स्विच होगा उसको बंद करेंगे, फिर हम फायर ब्रिगेड के फ़ोन करेंगे और उसको सूचना देंगे, और फिर जो पानी की सहायता से उसको बुझाने का कार्य करेंगे। लेकिन पेट्रोल में जो आग लग जाती है उसको पानी से नहीं बुझाया जाता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बुझाया जाता है। और आपने देखा होगा वहाँ पर सिलेंडर टंकियाँ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर आपने रेत देखी होगी वहाँ पर बाल्टियों में रेत भरी होती है, तो उसकी सहायता से पेट्रोल पंप पर जो लगी आग को बुझाया जाता है। 8वां प्रश्न है कि बाह्य निषेचन का आपको एक उदाहरण लिखना है, तो अच्छा उदाहरण आपके मेंढक, मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मेंढक। पुरुष हार्मोन का नाम लिखना है, देखो पुरुष हार्मोन का नाम लिखना है यानी कि नर जनन हार्मोन का नाम लिखना है, तो नर जनन में आपको लिखना है तो टेस्टोस्टेरोन, ये वर्षण के द्वारा स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है वो नर जनन हार्मोन कहलाते हैं। और आपसे मादा पूछे मादा जनन हार्मोन, तो वो होता है एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक होता है आपका एस्ट्रोजन, एक है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों ही आपके नर जनन हार्मोन मादा जनन हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपको दो बादल बना के आपको उनको आवेशों को दर्शाना, तो एक प्रकार से इस प्रकार से चित्र बना के एक में प्लस प्लस कर देना और एक में जो माइनस माइनस कर देना, और इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। अगला प्रश्न है सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम आपको याद कर लेना है, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है और ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा बात करें कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो जाएगा आपका बुध, और सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण जो है वो सबसे दूर है, वरुण सबसे दूर है। सौर परिवार में कितने सदस्य हैं, तो सौर परिवार के 8 सदस्य हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सौर परिवार का जो मुखिया है वो है आपका सूर्य, और सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, उसको सौर ऊर्जा कहते हैं, ये अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा आपसे पूछे कि जो बौना ग्रह कौन सा है, बौना ग्रह, तो बौना ग्रह में आप लिख सकते हैं, एक तो जो अपना जो लास्ट बौना ग्रह का नाम जो लिखा गया था वो यम को बौना ग्रह कहा जाता है, यम जो है वो बौना ग्रह की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि जो शुद्र ग्रह है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो शुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उनको शुद्र ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति और मंगल के बीच में। बहुत ही फायदा मिलेगा, गणित में भी आपको इसी प्रकार से हम तैयारी करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर करना ताकि उनका भी फायदा मिल सके। और एक लास्ट रिवीजन वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके यही पेपर आएगा, लेकिन ये पेपर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी जो तैयारी से हो जाएगी। तो शुद्र ग्रह जो कहा जाता है वो बंगल और बृहस्पति के बीच के जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं उनको शुद्र ग्रह कहा जाता है। इस मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल तारा, इसको क्या कहते हैं, लाल तारा कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको रेड स्टार भी कहा जाता है। इसके अलावा एक पृथ्वी का जो जुड़वा बहन है, वो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, और शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा या सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में इसको जाना जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में इसको जाना जाता है। इसका जो अंग्रेजी में नाम वो विनस है। और एक जो वलय वाले ग्रह, तो वलय वाले ग्रह के रूप में आप जो शनि का नाम याद कर सकते हैं, शनि के चारों ओर जो वलय बनी होती हैं
तो ये वलय वाला जो रिंग उसके ऊपर बनी होती है वो आपके शनि के चारों ओर बनी होती है। और बृहस्पति जो है वो आपके सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जाना जाता है। और फिर आप बताएंगे कि उपग्रह के बारे में, जो ग्रह होते हैं उनके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है, ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप इसमें देख लेना, ग्रहों के चक्कर लगाएंगे उनको उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा है जो, इसमें 16 कलाएं होती हैं, 16 कलाएं, 16 तरह का आपने देखा होगा कलाएं होती हैं। जिस दिन ये जो चांदनी रात होती है उस दिन पूर्णिमा होता है, ठीक है। जिस दिन चांदनी रात होती है उस दिन पूर्णिमा होती है, और जिस दिन अंधेरी रात होती है उस दिन अमावस्या होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप उसमें देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें, तो बहुत ये इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इनको अच्छी प्रकार से देख लेना। नीले ग्रह की बात करें तो नीला जो ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कारण क्या है, ये पृथ्वी है तो इसका जो 71% भाग है, इस पृथ्वी का 71% भाग वो आपके पानी है। तो पानी का रंग है जो नीला दिखाई देता है, समुद्र जो है, ये समुद्र जो समुद्र के कारण है जो पृथ्वी नीली दिखाई देती है, और बाकी 29% है जो भूमि होती है। नाइट्रोजन चक्र आप जो बना लेना। और सर्दियों में अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, तो उनको ऊनी वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। कारण क्या है, तो ऊन जो होती है वो उष्मा की कुछ अलग होती है, और इस प्रकार से आप उसमें बाकी चीज़ें इसमें बता सकते हैं कि इससे शरीर जो गर्म रहता है, और बाहर की हवा और अंदर की हवा जो आदान प्रदान नहीं होता है, इस प्रकार के 3-4 कारण आप उसमें दे सकते हैं। 14वें क्वेश्चन में मिलान करना है आपको, तो पेट्रोलियम के संघटक है एलपीजी जो होती है वो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में आती है। एलपीजी गैस, ठीक है, ये एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें आपने देखा होगा एक गंध आती है, तो वो गंध इस एलपीजी की गंध नहीं होती है, वो मरकैप्टन की एक मिलाया जाता है इसमें, जिसके कारण जो गंध का पता हमें चलता है कि गैस है जो रिसाव हो रही है। बाकी एलपीजी का जो अपनी कोई गंध नहीं होती है, इसके अंदर एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको मरकैप्टन गैस कहा जाता है। उसी मरकैप्टन गैस के कारण हमको उस रिसाव का पता चलता है। इसके अलावा आपने डीजल के बारे में देख लेना, डीजल जो होता है वो भारी मोटर में और विद्युत जनित्र में ईंधन के रूप में काम आता है। ये विद्युत जनित्र क्या काम करते हैं, विद्युत जनित्र जो होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम बनाने में, इसके अलावा मोमबत्ती, वैसलीन, इसके निर्माण में किया जाता है। बिटुमिन का जो उपयोग किया जाता है वो पैंट्स में और सड़क निर्माण में किया जाता है। बिटुमिन का जो प्रयोग किया जाता है वो कोल तार के स्थान पे किया जाता है। कोल तार एक काला गाढ़ा द्रव होता है जो अप्रिय गंध वाला होता है, हमें बहुत ही खराब लगता है वो कोल तार। आपने देखा होगा डामर जब रोड बनता है तो उसके ऊपर जो गंध आती है बहुत ही खराब स्मेल आती है, वो कोल तार होता है। और आजकल तो इस कोल तार की जगह पर इसका उपयोग किया जा रहा है, बिटुमिन का उपयोग किया जा रहा है, आपने ये देखा होगा। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेना, आपके इस प्रकार का प्रश्न जो निश्चित रूप से पूछा जाएगा, या फिर आपकी धातु अधातु के उपयोग में पूछा जाएगा। आगे देखेंगे उसको भी हम। नीचे दिए गए वाक्यों की जांच करके सत्य असत्य की जांच कर लें। तो वन उन्मूलन से वर्षा की दर प्रभावित नहीं होती, ये गलत है। वन उन्मूलन होगा तो वर्षा की दर तो प्रभावित होगी, वन कटेंगे तो वर्षा कम होगी, वन बढ़ेंगे तो वर्षा बढ़ेगी, ये तो असत्य है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, ये सही है। वन्य जीव अभयारण्य में आपके क्या होता है कि जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। अपने राजस्थान में कई सारे वन्य जीव अभयारण्य, टोटल राजस्थान में 27 वन्य जीव अभयारण्य, जिसमें आपने देखा होगा सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद में, जो 2-3 जिलों में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ अभयारण्य तो पाली, अजमेर, राजसमंद तीनों जिलों में फैला हुआ है। माउंट आबू अभयारण्य सबसे ऊंचा जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो अलवर में आता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर जिले में आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में आता है, बस्सी अभयारण्य जो चित्तौड़गढ़ में आता है, बस्सी चित्तौड़ से आगे बस्सी क्षेत्र है वहाँ पे जो बस्सी अभयारण्य है। इसके अलावा कई सारे और अभयारण्य हैं, सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है, ताल छापर चूरू का अभयारण्य है। तो इस प्रकार से कई सारे जो अभयारण्य आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और वन्य जीव अभयारण्य आपके जो वन्य जीवों की सुरक्षा और उनको संरक्षण करने के लिए बनाए जाते हैं। तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं और 4 जो टाइगर रिजर्व हैं। 4 टाइगर रिजर्व
ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना, अलग है आपके प्रश्न से। संगठनात्मक जंतु वे जंतु है जिनकी एक संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही, तो ये सही है। संगठनात्मक वो जंतु होते हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। और धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, इसको मरुस्थलीकरण कहते हैं, ये सही बात है। धीरे धीरे अपनी जो भूमि हो मरुस्थल में बदलती जा रही है, उसको मरुस्थलीकरण के रूप में जाना जाता है। ये आपके जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, ये मरुस्थल जिले कहलाते हैं। टोटल 12-13 जिले ऐसे हैं जिनमें मरुस्थल फैला हुआ है, वहाँ पर जो जलवायु भी विषमता पाई जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपको एक नामांकित चित्र बनाना है, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इसको देख लेना। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या तो इसका अंतर पूछा जाएगा इन दोनों का, या तो इनका अंतर पूछा जाएगा या इनका चित्र पूछा जाएगा, तो दोनों में से कोई न कोई एक आपको जो अच्छी प्रकार से पूछा जाएगा, तो दोनों आपको तैयार कर लेना है। एक तो इनके अंतर क्या होता है वो देखना है, एक इनके दोनों के चित्र आपको अच्छी प्रकार से बना लेना है। अंतर में आप लिखेंगे इसमें जो पादप कोशिका होती है उसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपको अंतर बता देना है। इसके अलावा आपसे पूछे कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का जो शक्ति ग्रह कहा जाता है वो शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्ति ग्रह के दो, बिजली घर के दो या फिर ये जो पावर हाउस के दो, पावर हाउस, ठीक है, ये सभी किसको कहा जाता है, ये सभी जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, बिजली घर, शक्तिग्रह के रूप में जाना जाता है। एक होता है ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के रूप में भी इसको जाना जाता है, और ये होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। तो थोड़ा सा आपको इसमें अच्छी प्रकार से ये देख लेना है। दाब की परिभाषा और इसका सूत्र लिखना है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है, और इसका जो सूत्र होगा वो इस प्रकार होगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र होता है, पी बराबर एफ अपॉन ए। इसका जो मात्रक होता है, पास्कल, दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है, दाब को पास्कल में मापा जाता है, ठीक है। और दाब मापने का जो यंत्र होता है उसको दाब मापी कहा जाता है, बैरोमीटर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपके, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना और दौड़ना हो तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करेंगे, लिखना है। तो हम जो सांचेदार, जो खांचेदार जो जूते होते हैं उनका प्रयोग करेंगे ताकि घर्षण कम हो जाए और आपको जो वहाँ पर चलना आसान हो जाए। देखा होगा घर्षण को बढ़ाने के लिए जूते की जो तलियाँ होती हैं वो खांचेदार बनाई जाती हैं, खुरदरी बनाई जाती हैं, इससे क्या होता है घर्षण बढ़ जाता है और हम आपस आसानी से चल पाते हैं। हम जो लिखते हैं कॉपी में लिखते हैं वो घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं, ये भी जो घर्षण का एक फ़ायदा है। पहिए जो होते हैं वो घर्षण को कम कर देते हैं, स्नेहक जो होते हैं वो घर्षण को कम कर देते हैं, तो ये आप सभी को अच्छी प्रकार से देख लेना है। अगला प्रश्न है, शोर और संगीत में दो दो अंतर बताने। तो शोर ये कानों को अच्छा नहीं लगता है, शोर जो होता है हमको अच्छा थोड़ी लगता है, अच्छा नहीं लगता है, जबकि संगीत हमको अच्छा लगता है। शोर से अपने श्वास संबंधी कई बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन संगीत से कोई प्रकार बीमारियां नहीं होती हैं। इसके अलावा आपको आवृत्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तो होती है श्रव्य आवृत्ति, श्रव्य आवृत्ति की जो परास है वो होती है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक, 20 किलो हर्ज तक। ये हर्ज जो आवृत्ति का मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ एक आपको इसका नामांकित चित्र बना लेना है, सरल परिपथ का किताब से इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। कृत्रिम उपग्रह से हमें किस प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं, कोई दो जानकारियाँ लिखनी है। एक तो मौसम से संबंधित जितने भी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं वो सभी आपके इनके द्वारा ही बताए जाते हैं। इसके अलावा ऋतु के परिवर्तन वगैरह इन सभी की जानकारी आपको कृत्रिम उपग्रह के द्वारा ही लगती है। कृत्रिम उपग्रह का मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित हैं। फिर आपके ये क्वेश्चन है कि आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या तैयारी करेंगे। तो गेहूँ को सबसे पहले सुखाएंगे ताकि उसमें जो नमी को जो निकाला जा सकते हैं, फिर इसमें नीम की पत्तियां वगैरह डाल के उनको जो अंदर भंडारण करेंगे। और भी आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। जहां सिंचाई की कमी है वहां पर जो आप किस प्रकार की विधि का उपयोग करेंगे और सिंचाई विधि का आपको नामांकित चित्र बनाना है। देखो सिंचाई की कमी है, पानी की सिंचाई जल की कमी है,
तो वहाँ पर आप दो विधि को काम में लेंगे, उनको जल संरक्षण की विधि के रूप में भी जाना जाता है। ये जल संरक्षण करती हैं, पानी का बचाव करती हैं। कौन कौन सी है? एक तो है आपके फव्वारा पद्धति, फव्वारा विधि। फव्वारा विधि में एक पाइप होता है और उसमें अलग अलग पाइप के लगा दिए जाते हैं, फिर इसके ऊपर जो फव्वारा लगा दिए जाते हैं, नोजल से पानी बाहर निकलता है और हमें ऐसा लगता है जैसे मान लो बारिश हो रही हो। और ये जो फव्वारा विधि है वो असमतल भूमि के लिए काम में लिया जाता है, ये याद कर लेना, असमतल। और दूसरी जो विधि आती है वो आती है आपके बूंद बूंद विधि, जिसको हम ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं, इसको छिड़काव विधि कहते हैं। फव्वारा विधि को छिड़काव विधि कहते हैं और ड्रिप विधि को या ड्रिप सिस्टम को ड्रिप सिस्टम के दो या बूंद बूंद पद्धति के दो, दोनों एक ही चीज़ है। बूंद बूंद पद्धति इसमें क्या होता है, बूंद बूंद विधि इसमें क्या होता है कि एक लाइन लगी होती है और नलियों की सहायता से पौधे की जड़ों में ही ये जो पानी को बूंद बूंद की सहायता से गिराया जाता है। और ये जो लेता है वो समतल भूमि के लिए काम में लिया जाता है, ये समतल भूमि के काम में आता है। फिर आपको धातु और अधातु में गुणों के आधार पर चार अंतर बताने, तो बता सकते हैं कि धातु जो होती है वो कठोर होती है, अधिकांश धातुएँ कठोर होती हैं और ये जो नरम होती हैं, और ये तन्य होती हैं, ये तन्य नहीं होती हैं, ये आघातवर्धनी होती हैं। आघातवर्धनी जानते होंगे सभी, पीटने पर वो आघातवर्धनी है, पीटने पर वो जो चदर के रूप में फैल जाती हैं, इसमें नहीं होता है। ये विद्युत के कुचालक सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इसमें से विद्युत जा सकती हैं, इसमें ये विद्युत के कुचालक होते हैं, उष्मा के भी ये कुचालक होते हैं। कुछ धातुएं होती हैं जो कठोर की जगह नरम भी होती हैं, जैसे आपको याद कर लेना है कुछ धातुओं के नाम जो नरम होती हैं, तो एक तो आपको याद कर लेना है सोडियम, सोडियम जैसी धातुएं हैं जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम है, लिथियम है, ये धातुएं ऐसी हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, वो कठोर नहीं होती हैं। सभी धातुएं नरम नहीं होती, सभी अधातुएं नरम नहीं होती हैं, जो हीरा होता है वो सबसे कठोर होता है। इसमें थोड़ा सा जो अलग है उनको भी आपको याद कर लेना है। हीरा अपवाद है इसका, इधर अपवाद क्या है, अपवाद का मतलब जो उल्टा है, इनके नियमों का पालन नहीं करता है, ये कठोर होती है बाकी धातुएं तो, लेकिन ये धातु नरम होती है, इनको चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये वायु से और जल से अधिक क्रिया करके आग लग सकती हैं, तो इन सभी को जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि केरोसिन में रखा जाता है इनको। तन्य होती हैं, सोना सबसे तन्य धातु है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। विद्युत का सुचालक, चांदी जो होती है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती हैं, सबसे अधिक चालक जो होती है वो चांदी होती हैं। जबकि आपने देखा होगा जब चांदी सबसे अधिक चालक है तो तार जो बनाए जाते हैं वो तांबे और एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं, आप कमेंट करके बताना कि आपने देखा होगा अपने विद्युत के तार बनाए जाते हैं वो चांदी के नहीं बनाए जाते हैं, इसका क्या कारण है, आप कमेंट करके बताना। ये तार जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के या फिर तांबे के बनाए जाते हैं, तो इसका कारण आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको उपयोग लिखना है, तो गोल्ड सोने का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आभूषण के लिए किया जाता है, और कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में, मैंने बताया ना ऊपर, ये बिजली ये कॉपर होता है विद्युत का चालक होता है, लेकिन इससे भी अच्छा चालक चांदी होता है, चांदी विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक कहा जाता है, जबकि बिजली के जो तार बनाए जाते हैं वो कॉपर तांबे के बनाए जाते हैं, इसका कारण आपको कमेंट करके बताना है। आयरन जो होता है वो इस्पात उद्योग बनाने में और मशीनें बनाने में किया जाता है। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु हैं, ये धातु हैं जो किस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, और इससे हिंदी में हम क्या कहते हैं, पारा कहते हैं इसको, इसका जो मात्रा के वो मतलब प्रतीक है वो एच जी होता है, मरकरी को हम एच जी से लिखते हैं मरकरी। इसका उपयोग तापमापी बनाने में होता है, तापमापी के दो या इसको कह दो थर्मामीटर, दोनों एक ही है, थर्मामीटर या तापमापी दोनों एक ही है। फिर आपको मानव नेत्र का जो नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, मानव नेत्र में आपको आयरिस, पुतली, इसके अलावा जो दृष्टिपटल, रेटिना, इनके बारे में आपको सब कुछ जानकारी देख लेनी है। ट्रैफिक पुलिस से सड़क सुरक्षा संधि आप अपने हिसाब से लिख लेना इसको, और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं ये आपको देख लेना है। जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं, तो उसको कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो है इसको परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है, नीचे परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ से टकराएगा, इसके ऊपर पॉलिश की हुई होती है, और ये इसका एक काल्पनिक 90 डिग्री का कोण होता है, इसको कहा जाता है अभिलंब,
इसको क्या कहते हैं, बीच में अभिलंब होता है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, तो ये समकोण बन रहा है ये वाला, ये अभिलंब है। और अभिलंब के साथ जो आने वाली किरण है, आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को जाप्तित किरण नहीं कहते, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। कई सारे बच्चे कहते हैं सर जाप्तित किरण, गलत है, वो परावर्तित किरण कहलाते हैं, परावर्तित किरण। और आपतन कोण जो होता है वो इन दोनों के बीच में बनता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, ये आपके इसका परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम आप ये बता सकते हैं कि अभिलंब, ये एक अभिलंब है, एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु के ऊपर स्थित होते हैं। ये आपको याद कर लेना है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही तल में एक ही बिंदु के ऊपर स्थित होते हैं। ये आपको इस प्रकार से लिख लेना है। आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि कोण आई बराबर 30 डिग्री हो तो कोण आर का मान याद करो, तो कोण आर का मान भी कितना आएगा आपके, 30 डिग्री ही आएगा। आपके पिताजी धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सुरक्षा है, तो आप जो कोई दो प्रश्न पूछना चाहेंगे ये तो आप अपने हिसाब से बता देना। फिर शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान आप कैसे करेंगे। शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, आर पार दिखता है, पारदर्शी होता है, उसमें कोई गंध नहीं होती है, जीवाणु मुक्त होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कोई इसमें जीवाणु आपको नहीं दिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप उसमें लिख सकते हैं। इसका उल्टा आप उसमें अशुद्ध जल में लिख लेना। स्वच्छता संबंधी दो बातें लिखेंगे, तो प्रतिदिन आपको स्नान करना चाहिए, अपने शौचालय और अपने इन सभी चीज़ों की साफ़ सफाई करनी चाहिए, और खुद को जो प्रतिदिन है जो साफ़ सफाई से रखना चाहिए। फिर आपको शुद्ध हवा और अशुद्ध हवा में अंतर बताना है। जैसा शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर होता है, वैसे ही शुद्ध हवा और अशुद्ध हवा में अंतर होता है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें अंतर लिख लेना। फिर एक आपके पेपर और देख रहे थे, इसमें जल निकास व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक होती है, तो जो प्लास्टिक के जो अपशिष्ट होते हैं, प्लास्टिक के अपशिष्ट जल व्यवस्था में जो बहुत ही बाधक कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कई सारी जो प्लास्टिक वगैरह होती है वो नाली में फंस जाती है और जल को अवरुद्ध कर देती है, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। दूसरा है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलना, ये कार्बनीकरण कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कार्बनीकरण। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है, तो मोमबत्ती का जो बाहरी क्षेत्र होता है उसका रंग नीला होता है, मध्य का रंग पीला होता है। अमीबा मुकुलन के द्वारा जनन करता है, तो ये गलत है, मुकुलन के द्वारा यीस्ट और हाइड्रा में होता है, याद करना है। मुकुलन के द्वारा तो एक तो यीस्ट में होता है और एक हाइड्रा में होता है, ये दोनों याद करना। अमीबा में जो होता है वो विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा जो जनन होता है वो इसमें अमीबा में होता है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, सही बात है, हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। तड़ित चालक किसी भी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकते, गलत है ये, तड़ित चालक जो होते हैं वो किसी भी भवन की तड़ित से सुरक्षा कर सकते हैं, तो ये आपके सच हो जाएगा। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप की परिभाषा लिखनी है, तो ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जो आग पकड़ लेता है या जलने लगता है उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। इसी ज्वलन ताप के कारण जो माचिस की जो तीली अपने आप जो आग नहीं पकड़ती है कमरे में, क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप है वो ज़्यादा होता है और कमरे का ताप कम होता है। कायंत्रण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कायंत्रण वाला, तो लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कायंत्रण कहलाता है, ये मेंढक में पाए जाते हैं कायंत्रण। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है, और कुछ विशेष परिवर्तन के साथ में टेडपोल का वयस्क में कायंत्रण हो जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि अपने गले में पाई जाती है, और इसे जो हार्मोन स्रावित होता है इसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, और इसी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग होते हैं वो गलगंड रोग होते हैं, गलगंड रोग। ये गलगंड रोग को हम गंगा रोग भी कहते हैं, अवट्टू रोग भी इसको कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का जो गला है फूल जाता है, लटक जाता है, वो सूज जाता है, मोटा हो जाता है गला, तो ये आपके थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और इसको दूर करने के लिए हम आयोडीन को काम में लेते हैं, आयोडीन युक्त नमक काम में लेते हैं। अपन घर में जो भोजन के लिए जो नमक काम में लेते हैं वो आयोडीन युक्त नमक होता है, तो उससे जो इसे रोग से बचा जा सकता है। एक धन आवश्यक वस्तु को धन आवश्यक वस्तु के पास ले जाने से उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी कि इससे दोनों प्लस प्लस के होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और दोनों माइनस माइनस के होंगे तो भी उनमें प्रतिकर्षण होगा, लेकिन एक माइनस एक प्लस है उसमें आकर्षण होता है, एक प्लस है दूसरा माइनस है उसमें भी आकर्षण होता है, तो ये अलग अलग तो आकर्षण होते हैं, एक जैसे प्रतिकर्षण उसमें होता है।
शुक्र सांस तारे के रूप में दिखाई दे रहा है। ये देखो शुक्र को सांस का तारा कहा जाता है, भोर का तारा, सांस का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के रूप में शुक्र को जाना जाता है। तो आकाश के किस भाग में दिखाई देगा, तो ये आकाश के पश्चिमी भाग में दिखाई देता है। सूक्ष्म जीव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म जीवों की चार हानि वाला। तो सूक्ष्म जीव अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य के रोग उत्पन्न कर देते हैं। सूक्ष्म जीव ये हानि है, जैसे सर्दी जुकाम है, क्षय रोग है, टीबी है, हैजा है, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो अच्छे होते हैं, जो भोजन और कपड़े को खराब कर देते हैं, भोजन जो बासी हो जाता है सूक्ष्म जीव के कारण ही। अनेक सूक्ष्म जीव जो फसलें होती हैं इनका भी रोग उत्पन्न करते हैं, कई सारे फसलों को खराब कर देते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के कारण जंतुओं में भी रोग फैलता है, जैसे मुँह पका, खुर पका, अभी जैसे लंपी वायरस फैला था गायों में, तो लंपी जो रोग है वो आपके सूक्ष्म जीव के कारण ही फैलाता। ये प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक एक विद्युत की कुछ अलग होती है, आपको एक चित्र बना के समझा देना है। फिर आपको मिलान करना है, तो वनोन्मूलन, वन को समाप्त करना वनोन्मूलन होता है। और सूखा दिवस जो मनाया जाता है, सूखा दिवस जो होता है, सूखा जो होता है वो वर्षा की दर की कमी को दर्शाता है। पुनर्वनरोपण जो होता है, नए वनों को लगाना पुनर्वनरोपण होता है। मरुस्थलीकरण, उर्वर भूमि का धीरे धीरे मरुस्थल में बदलना मरुस्थलीकरण कहलाता है। आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, किसी को याद नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, तो आपको ये विशेष तौर पे याद कर लेना है। डॉक्टर सी जो सी वी रमन है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। तो उसी याद में हमें जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। फिर सत्य सत्य बताना है, तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, गलत है। जीवाश्म तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए, तो उनसे जो ईंधन प्राप्त होता है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, इसमें भी आपके प्राकृतिक गैस है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं इनको बनने में, तो ये असत्य हो जाएगा। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, कोक कार्बन का शुद्ध रूप, ये सही है, कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ये दूसरा सूट के बीच में ये देख लेते हैं कि पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक गैस है, गलत है, ये तो उल्टा दे रखा है। पेट्रोल अधिक प्रदूषक होता है, CNG कम प्रदूषक होती हैं। तो वाहनों में जो पेट्रोल की जगह पे आजकल है जो CNG का उपयोग किया जाने लगा है, महानगर जितने भी हैं, चाहे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये महानगर के रूप में जाने जाते हैं चारों। तो यहाँ पे जो वाहन चलते हैं वो CNG वाहन चलते हैं, वहाँ पे जो CNG गैस काम में ली जाती है, क्योंकि उससे प्रदूषण वहाँ पे कम फैलता है। दिल्ली का तो आप सुनते ही रहते हो, दिल्ली में काफ़ी सारे जो प्रदूषण फैला हुआ है, न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो इसी प्रकार से वहाँ प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ पे पेट्रोल की जगह पर CNG गैस का उपयोग किया जाता है। कोलता और विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, ये सही है, ये बहुत ही खराब गंध वाला होता है ये कोलता, अप्रिय गैस गंध होती है, ये काला गाढ़ा द्रव होता है ये, और जो डामर आपने देखा होगा रोड बनते समय वो कोलतार ही होता है, और आजकल इसकी जगह पर बिटुमिन काम में लिया जाता है। फिर आपको कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में चार अंतर बताने की, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या क्या अंतर है। बल किसे कहते हैं, तो बल किसी वस्तु को लगने वाला धक्का और जो खींचाव होता है उसको बल कहा जाता है। तो किसी को धक्का देंगे तो भी बल लगाना पड़ेगा, और खींचेंगे तो भी बल लगाना पड़ेगा। तो अभिकर्षण और अपकर्षण को बल कहते हैं, जैसे पेशी बल है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और प्रकृति के जो चार प्रमुख मूल बल हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो आपकी पेशी बल हो, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल, ये घर्षण बल, इनको आप अच्छे प्रकार से देख लेना। लौटनी घर्षण किसे कहते हैं, जैसे नाम है लौटनी घर्षण, लौटन करता है, तो लौटनी घर्षण है। एक वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु के परस्पर लुढ़कती है, यानी कि वो लौटन करती है दूसरी वस्तु के ऊपर, तो उसकी गति के विरोध को लौटनी घर्षण कहते हैं। लौटनी घर्षण को कम कर देते हैं, और किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लौटन करना सदैव आसान रहता है। यही कारण है कि पहिए लगा जो सामान है वो खींचने में सुविधाजनक होता है, और क्योंकि लौटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, तो पहिए जो होते हैं वो वस्तु के घर्षण को कम कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश में तड़ित यानी कि जो बिजली चमकती है वो, और मेघ गर्जन जो गरजता है वो, उसकी घटना एक समय पे होती है, हमसे बराबर दूरी पे होती है, फिर भी आपने देखा होगा कि जो बिजली वो पहले चमकती है और उसकी गर्जन जो है बाद में सुनाई देती है। इसकी व्याख्या करनी, ये जो आपको अंतर दिखाई देता है कि बिजली पहले चमक जाती है और फिर आपको गड़गड़ाहट की आवाज़ बाद में सुनाई देती है, इसका कारण है उनके वेग में परिवर्तन। जो प्रकाश है उसका वेग सबसे ज़्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और ये आपका जो मेघ गर्जन है यानी कि जो ध्वनि है उसकी आवाज़, उसका जो वेग है वो कम होता है, इस कारण जो इसमें अंतर दिखाई देता है। तो
ये समझे आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है कि ये जो अंतर दिखाई देते हैं वो इनके वेग में अंतर के कारण दिखाई देते हैं। प्रकाश का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अतः प्रकाश हम तक ध्वनि की अपेक्षा पहले पहुँच जाता है और तड़ित पहले दिखाई देती है और वेग गर्जन बाद में सुनाई देता है। फिर आपको विद्युत चालन परीक्षण का नामांकित चित्र बना लेना अपनी किताब से, देख लेना इसको। सौर परिवार के सदस्यों का नाम बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है और इसके सदस्य कौन कौन से, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम। आपको बुध से शुक्र करना है, एक बार को छोड़ के एक बार लिख लेना है बुध, फिर आपको गुरु को छोड़ना है, शुक्र लिख लेना है, शुक्र के बाद में शनि को छोड़ना है और रवि की जगह पे पृथ्वी को लिख लेना है। रवि तो सूर्य है, उसकी जगह पृथ्वी लिख लेना है। पृथ्वी के बाद में रवि के बाद में सोम को छोड़ना है, मंगल लिखना है, मंगल के बाद में बुध को छोड़ना है, गुरु लिखना है, गुरु को बृहस्पति कहते हैं, गुरु के बाद में शुक्र को छोड़ना है, शनि लिखना है, शनि के बाद में रवि को छोड़ना और सोम अरुण लिखना है, फिर वरुण आ जाएगा। ये ग्रहों की गति मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नियंत्रित होती है। आपको ग्रह और उपग्रह में अंतर पूछ सकते हैं। तो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और उपग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस, पृथ्वी का एक प्राकृतिक ग्रह है जिसका नाम है आपके चंद्रमा। चंद्रमा प्रकृति का उपग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपको वर्णन करना है हल का और कुदाली का, तो हल और कुदाली का तो वर्णन आप कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर आपको अंतर लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका, धातु और अधातु में अंतर बताना है। तो ये धातु चमकदार होती हैं और अधातु चमकदार नहीं होती हैं। धातुएँ कठोर होती हैं, अधातु कठोर नहीं होती हैं। अधातु आघातवर्धनी होती हैं या आघातवर्धनी नहीं होती है। अधातु धातु तन्य होती हैं, तार बना सकते हैं, अधातु से तार नहीं बनता है। उष्मा की चालक होती हैं, सुचालक होती है धातु, ये कुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालक होती हैं धातु और ये कुचालक होती हैं। इनके जो अपवाद मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, चाहे सोडियम हो और पोटेशियम हो, आयोडीन हो, हीरा हो, ग्रेफाइट हो, ये इनके अपवाद है, उनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। जैसे सभी धातुएँ ठोस नहीं होती हैं, जो द्रव है वो उसमें भी पाई जाती हैं, मरकरी पारा द्रव धातु होती हैं, और इसमें भी आपकी जो सभी ये ब्रोमीन जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातुएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन में आपको अंतर बताना है। नियमित परावर्तन जो होता है वो चिकने पृष्ठ पर होता है और विस्तृत परावर्तन जो आपके खुरदरे पृष्ठ पर होता है। नियमित परावर्तन में आने वाली जो किरणें वो समांतर होती है, तो परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं। इसमें आने वाली किरणें तो समांतर होती हैं लेकिन परावर्तन के बाद जो किरणें जाती है वो समांतर नहीं होती हैं। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। और फिर आपको ये अंतर लिख लेना इसमें। अम्ल वर्षा कैसे प्रभावित होती है? अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा ऐतिहासिक स्मारकों के ऊपर गिरती है, जैसे ताजमहल है तो वहाँ पे वो संगमरमर के साथ में अभिक्रिया करके खराब करी ताजमहल को। इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो संगमरमर के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके वो धीरे धीरे उसको क्षति पहुँचाते हैं, इसलिए संगमरमर के जो बने ताजमहल को भी क्षति पहुंच रही है। अम्ल वर्षा मिट्टी की अम्लता को कम कर देता है। अम्ल वर्षा से जल प्रदूषण भी बढ़ता है। अम्ल वर्षा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, गणित में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप जब पेपर दे के आएंगे तब तक आप जो बहुत सारा जो अच्छी तैयारी में आपके करवा दूंगा। ये थर्मोप्लास्टिक आपको चित्र इस प्रकार से आपके देख लेना है। कुछ प्रश्न हम और लिख लेते हैं इसमें। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते, वो अजैव निम्नीकरण कहलाता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ जैव अनिम्नीकरण के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ के रूप में जानी जाती हैं। नेप्थिलीन की गोलियाँ बनाई जाती हैं, तो ये कोल तार से बनाई जाती हैं। कोल तार एक अप्रिय कालागार द्रव होता है जिसकी सहायता से ये नेप्थिलीन की गोलियाँ बनाई जाती हैं। कोक जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। और ईंधन का जो उष्मीय मान होता है उसको किलो जूल प्रति किलोग्राम के अंतर्गत मापा जाता है। इसका मात्रक होता है ईंधन का उष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट फिर आपके सत्य असत्य बताना है। तो सत्य असत्य में आप बता सकते हैं कि भ्रूण जो होता है वो एकल कोशिका का बना होता है, ये गलत है, भ्रूण एकल कोशिका का नहीं बना होता है। वर्षण एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करते हैं, ये भी गलत है। वर्षण जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो मादा जनन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भूकंप को जो मापने का जो यंत्र होता है स्केल होती है,
वो रिक्टर पैमाना कहलाता है, रिक्टर स्केल के रूप में उसको जाना जाता है, सिस्मोग्राफ के ऊपर उसको मापा जाता है। तो अगला प्रश्न आपके ये है कि निरापद या सले माचिस की तीली के सिरे पर जो लगने वाले दो रसायन है इसका नाम बताना है। तो माचिस के ऊपर जो रासायनिक पदार्थ होता है, एक तो पोटेशियम क्लोराइड होता है और एक एंटीमनी ट्राई सल्फाइड होता है। निषेचन किसे कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन जो होता है उसको निषेचन के रूप में जाना जाता है। लड़के या लड़की के लिंग निर्धारण के लिए क्या माँ उत्तरदायी होती है? तो ये गलत है, माँ उत्तरदायी नहीं होती है। लड़के या लड़की के लिंग निर्धारण के लिए जो पिता के गुणसूत्र होते हैं वो निर्धारित होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं, माँ उत्तरदायी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा की कलाएं। तो पूरे माह में दिखाई देने वाली चंद्रमा की जो प्रदीप्त भाग को विभिन्न आकृतियों में चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। 16 कलाएं वो आपको दिखाई देती हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। अगला प्रश्न, विषाणु क्या होते हैं? विषाणु होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सजीव भी होते हैं निर्जीव भी होते हैं। सजीव निर्जीव की जो योजक गढ़ी है वो विषाणु कहलाती है। ये जब निर्जीव के शरीर संपर्क में रहते तब निर्जीव रहते हैं और सजीव के संपर्क में आने पर वो सजीव बन जाते हैं और अपना जो गुणन प्रारंभ कर देते हैं। कई सारे जो परपोषी ये परपोषी होते हैं उन्हीं में ये गुणन करते हैं और कई सारे जो सामान्य रोग वो फैला देते हैं, जैसे सर्दी जुकाम है, खांसी है, वायरस वाले जो भी रोग है वो विषाणु के द्वारा फैलते हैं। बहुलक किसे कहते हैं? तो बहुलक अंग्रेजी के पॉलीमर से बना है और जिसका मतलब ये होता है कि अनेक इकाइयाँ। बहुलक वह पदार्थ है जो बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों से दोहराने से बनता है, तो वो आपके बहुलक के रूप में जाना जाता है। बहुलक जो पादप बहुलक के नाम बताने हो तो आपको कपास और स्टार्च के रूप में बता देना। फिर आपको मिलान करना है, ये प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस है जो अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है भरतपुर में, संग्रहात्मक स्पीसीज बाघ हैं और विलुप्त आपके डायनासोर हैं और विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज भारतीय विशाल गिलहरी है। अच्छा, इस भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है आप कमेंट करके बताना। दो नाम आपको देता हूँ, एक तो है विशन और एक है किशन। इन दोनों में कौन सा नाम अपने भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है? विशन और किशन में से कौन सा नाम अपने है? अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य सत्य, कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, गलत है, कोयला तो एक जीवाश्म ईंधन है। कोक एक कठोर और सरंध्र काला पदार्थ होता है, ये सही है। कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव, सुगंधित नहीं होता है, ये अप्रिय गंध होती है, बिल्कुल ख़राब लगती है हमको, बहुत ही अच्छा नहीं लगता है जब हम जब रोड बनता है और उसके पास में से होकर गुजरते हैं तो बहुत ख़राब लगती है गैस, हमको ये सुगंधित नहीं लगती है। मिट्टी के तेल स्टोव लैम्प जेर वायर आदि के ईंधन के रूप में काम आता है, ये सही है। और मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीवों के बारे में बताना है कि एक कोशिकी जो जीव होते हैं उनका जीव शरीर एक कोशिका से बना होता है, जबकि बहुकोशिका का जो जीव होते हैं उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिकी में आप नाम याद कर लेना, अमीबा, अमीबा एक कोशिकी है और एक आपके पैरामीशियम, पैरामीशिया ये आपके एक कोशिकीय जीव हैं। बल द्वारा उत्पन्न विभिन्न चार प्रमुख प्रभाव बताने, धक्का देने, किसी वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, उसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, ये आपके बल के द्वारा उत्पन्न परिवर्तन है। फिर आपके कि सिंचाई किसे कहते हैं? और जल संरक्षित करने वाली जो सिंचाई की दो विधियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद में जो पौधों को या फिर फसल को पानी देना उसको सिंचाई के रूप में जाना जाता है। और जल संरक्षण की जो दो विधियां हैं वह एक तो आपके बूंद बूंद पद्धति है ड्रिप सिस्टम और एक आपके स्प्रिंकलर फुमारा पद्धति है। समतल और असमतल भूमि के लिए दोनों काम में अलग अलग ले जाती हैं। फिर आपको तो मैंने बता रखा वो वर्णन कर देना। फिर आपको बताना ये सीएफसी का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग है वो रेफ्रिजरेटर वगैरह इन सभी में किया जाता है और ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन परत को नष्ट करने का कार्य कर रही हैं ये। अगला प्रश्न आपकी ये कि किस रेशे का उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है? पैराशूट बनाने में नायलॉन का उपयोग किया जाता है पैराशूट बनाने में। और अगला प्रश्न है कि इसका उपयोग इस्पात निर्माण उद्योग में किया जाता है तो और धातुओं के निष्कर्षण में होता है तो कोक का उपयोग किया जाता है जो कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 साल पहले हुआ था। द्विविखंडन अलैंगिक जनन की विधि, ये सही बात है, द्विविखंडन अमीबा में होता है। अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती थी, ये भी सही बात है, अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इसको मिश्रित ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह रोग। नेक्स्ट है विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते, तो ये भी सही है, अलग अलग जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक जैसे होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे, अलग अलग होंगे तो आकर्षित होंगे।
ईंधन के उसमें मान को किस मात्रा के द्वारा मापते हैं, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। लैंगिक जनन से क्या आशय, तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्म का संलयन होता है, इसको लैंगिक जनन कहा जाता है। एडम एप्पल किसे कहते हैं, तो लड़कों के यौवनारंभ यानी कि किशोरावस्था की शुरुआत में लड़कों का जो स्वर तंत्र होता है, ये गले के जो कंठ होता है अपना, वो बाहर निकला हुआ होता है, तो वो उभार दिखा हुआ देखा जाता है, तो उसको हम एडम एप्पल के नाम से जानते हैं। भू संपर्कमण से क्या अभिप्राय है, तो किसी आवश्यक वस्तु का आवेश स्थानांतरित करने की जो विधि है उसको भू संपर्कमण कहा जाता है। ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की अपेक्षित स्थिति को वर्णन करना, ये सप्तऋषि मंडल है, इसको इस प्रकार से आपको बता देना ओरायन वाला। फिर आपको ये 5R सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। देखो 5R में 1R तो आपके रिड्यूज है, उपयोग कम करना है, रीयूज है उसको वापस उपयोग करना है, और रिसाइकल है उसको वापस चक्रण करके काम में लेना है, और रिकवर उसको वापस प्राप्त करना है, और रीयूज है उसको जो रिफ्यूज है उसका उपयोग ना करना है। ये 5R है, आपको इसको अच्छी प्रकार से देख लेना है। मिलान करनी देखो, इसमें कॉक जो है वो इस्पात उद्योग के निर्माण में काम में आता है, और कोलतार संश्लेषित रंग है, औषधि है, विस्फोटक पदार्थ हैं, सुगंध है, प्लास्टिक पेंट है, ये छत के निर्माण में, सड़क निर्माण में काम में आता है। स्नेहक जो तेल होता है वो स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। सीएनजी का जो उपयोग है वो आपके ऊर्जा उत्पादन में और परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। ये पेट्रोल से कम प्रदूषण फैलाता है सीएनजी गैस। सीएनजी का पूरा नाम तो आपको पता ही है, सीएनजी का पूरा नाम, इसके अलावा एलपीजी का पूरा नाम सीएनजी, एलपीजी, और एक आपके सीएफसी, एक तो ये आपको पूरा नाम याद, एलईडी। देखिए बताना इन चारों का पूरा नाम क्या क्या है, आपको मैंने बार बार बताया, ये इनका पूरा नाम आप कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न आपके सत्य वाला है, तो इसमें काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए अधिक संख्या में वृक्ष लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वृक्ष हमें अधिक से अधिक लगाना चाहिए। आप भी अगर अपना जो बर्थडे मनाते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि आपको अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, और उसको अगले जन्मदिन तक जो देखभाल आपको ज़रूर करनी चाहिए, और उसको जो निरंतर आप हर जन्मदिन पर अगर एक व्यक्ति एक एक पौधा लगाएगा तो उसके जीवन में जो खूब सारे जो पौधे लग जाएंगे और पूरे जो पृथ्वी पर जो हरियाली हरियाली होगी। तो आप जो ये काम कर सकते हैं, अपने जन्मदिन को एक पौधा लगाकर सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, और आप, मैं उम्मीद करता हूँ ये काम करेंगे। देखो कमेंट करके बताना कि आप में से कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा लगाएगा, इसका उत्तर आप कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ मैं जो अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाऊंगा। दूसरा है आपके वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं, चिड़ियाघरनी कहलाते हैं, वो वन्य जीव अभयारण कहलाता है। इसी क्षेत्र विशेष में विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं, सही है। प्रवासी पक्षी सुदूर जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, भी सही है। घर्षण क्या है, इसको घटाने और बढ़ाने की एक उपाय बताना है। तो घर्षण जो होता है किसी भी गति का विरोध करता है ये, और जैसे घटाने में आप जो उसमें स्नेहक का उपयोग कर सकते हैं, ग्रीस तेल का उपयोग करते हैं स्नेहक में, और बढ़ाने के लिए जैसे घर्षण को बढ़ाने के लिए जो वाहन होते हैं उनके जो टायर होते हैं वो खांचेदार बनाए जाते हैं, ठीक है, सांचेदार बनते हैं। अपने जूते खुरदरे बनाए जाते हैं, तली खुरदरी बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपके ये है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, इसको आपको चित्र बनाकर समझाना है। परावर्तन आपके दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक होता है आपका विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में समतल परस्पर होता है, और विसरित परावर्तन खुरदरे परस्पर होता है। इसमें आपके प्रकाश की जो आने वाली किरणें वो समांतर आती हैं और परावर्तन के बाद समांतर जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आने वाली किरणें तो समांतर आती हैं लेकिन जाने वाली किरणें वापस समांतर नहीं जाती हैं। इस प्रकार से ये नियमित परावर्तन है, ये विसरित परावर्तन है। ब्रेल लिपि क्या होती है, ब्रेल लिपि जो होती है वो अंधे बच्चों के लिए जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके लिए पढ़ने का जो आसान काम कर देती है ब्रेल लिपि, तो उससे संबंधित ये ब्रेल लिपि होती है। अगला क्वेश्चन आपके ये कि कृत्रिम रेशम का नाम बताना, तो कृत्रिम रेशम क्या होती है, जो रेयन होता है उसको कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। नायलॉन जो है आपके प्रथम जो कृत्रिम रेशा है, ये मानव निर्मित रेशा है, ये संश्लेषित रेशा इसको कहा जाता है। और कृत्रिम रेशम की बात करें तो फिर आपके रेयन होगा। अगला प्रश्न आपके, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो पेट्रोलियम जो है आपके समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, जबकि सूर्य का प्रकाश और
वायु जीव आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों कभी भी समाप्त नहीं होंगे, इनका उपयोग चाहे कितना भी कर लो ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्म का संलयन होता है, ये गलत है। एक मिनट, लैंगिक जनन, हाँ, नर और मादा का युग्म का संलयन होता है, सही है। और गले में उपस्थित, मनुष्य के गले में उपस्थित वह भाग जिसमें जो आवाज़ पैदा होती है उसको स्वरयंत्र कहते हैं, ये भी सही है। किसी वस्तु पर असंतुलित बल विद्युत मात्रा को अनावेशित कर देता है, ये गलत है। फिर आपको बताना है कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है, तो CO2 जो होती है वो आग बुझाने में सहायक होती है, जबकि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो आग को जलाने में सहायक होती है। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर आग नहीं जलेगी। तो ये जो होती है वो आग के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का घेरा बना देती है, वहाँ पर ऑक्सीजन को समाप्त कर देती है, तो उससे जो आग बुझ जाती है। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, तो अपने वंश वृद्धि के लिए, अपनी जाति को बचाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। फिर आपको मिलान करना है सूर्य के प्रकाश से, ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। कोयला जो आपके समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, और काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। आपके इंपॉर्टेंट ये काला सोना पेट्रोलियम, अप्रिय गंध वाला द्रव, ये कोल तार होता है जो बिटुमिन काम में लिया जाता है आजकल, ये रोड बनाने में डामर होता है, वो यही कोल तार होता है। नेक्स्ट है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके आपके आज के एग्जाम में, और इस वीडियो को 2-3 बार आप जो अच्छी प्रकार से देख लेना, स्पीड बढ़ा के, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, आपके गणित के पेपर में काफ़ी फायदा मिलेगा, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके पेपर के लिए, ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, गॉड ब्लेस यू। आप अपना अच्छा करेंगे पेपर में, और जो आपकी इच्छा है कि आपके जो नंबर, मान लो किसी की इच्छा है कि 80 में से 80 नंबर आए, तो मेरी पूरी आपको जो शुभकामनाएं कि आपके 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ में ये उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर काफ़ी अच्छा होगा, और पेपर देने के बाद में आपका पेपर कैसा होता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो एक बार पुनः आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष, अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना, भूल मत जाना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।